तो स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। पिछले वीडियो में जो हमने बनाया था वो एनसीआरपी पोर्टल पे था। आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे जाकर के देखिए कि ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्ट कैसे करते हैं। हम लोगों को लगातार कमेंट आता है कि नए नए टाइप के साइबर फ्रॉड्स के बारे में बताएं, तो अभी जो मैं फ्रॉड बताने जा रहा हूं इसके लिए एमएचए ने भी एक गाइडलाइन इशू किया था। वो बेसिकली एक ई सिम फ्रॉड है, जिसमें अभी जामताड़ा में पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि या कहीं पढ़ा होगा सुना होगा कि जामताड़ा में कुछ लोग पकड़ाए जो ई सिम फ्रॉड करते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं है ई सिम फ्रॉड क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि ई सिम फ्रॉड क्या होता है। सीधे चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं ई सिम फ्रॉड के बारे में क्या होता है। ई सिम ये बहुत जरूरी है। अभी पिछले कुछ दिनों जामताड़ा का एक न्यूज आप लोगों ने देखा होगा, जिसके बारे में कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि एक ई सिम का फ्रॉड हुआ जिसमें करीब 300 अकाउंट में पैसे गए और करोड़ों रुपए की चपत जो है साइबर फ्रॉडस्टर ने लगाया। जानते हैं ई सिम फ्रॉड के बारे में। ये जामताड़ा जो है बहुत काफी फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आई है जामताड़ा, सबका नंबर आएगा। इसी क्रम में अगर आगे देखते हैं जो वो फ्रॉड का लेवल दिखाया गया वो अभी के जो फ्रॉड के लेवल से बहुत ज्यादा पीछे के वो लेवल्स हैं। अभी जो फ्रॉड का लेवल हो गया है वो बहुत हाई है। तो ये जो जामताड़ा सीरीज में आपको फ्रॉड दिखाया गया था वो सिंपल विशिंग था, फिशिंग फ्रॉड था, ऑनलाइन साइट फ्रॉड करते हैं, कुछ लोग फोन करके लोगों को पैसा मांगते हैं, ओटीपी मांगते हैं, इस तरह करके वो फ्रॉड करते हैं। बट ये ई सिम जो फ्रॉड है ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड है, इसको आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। जो ई सिम के फ्रॉड के बारे में जानेगा वो अपने आप को इस फ्रॉड से होने से बच सकता है। अगर आपको मैं अभी आगे ई सिम फ्रॉड के बारे में बताऊंगा, अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आएगी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ई सिम फ्रॉड के बारे में आपको और क्या नहीं समझ में आया। अभी मैं कोशिश करता हूं कि आपको और इससे आगे बताऊं। ये जो जामताड़ा में आपको जो मैंने अभी बताया कि जामताड़ा में जिस तरह के फ्रॉड हो रहे थे, तो उसी के संबंधित जो एक न्यूज़पेपर कटिंग मैंने लगाया है उसमें बेसिकली ये था कि ई सिम फ्रॉड करके लोगों ने जो ई सिम फ्रॉड करके बेसिकली करोड़ों रुपए की ठगी की गई। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हैं, ई सिम फ्रॉड क्या है। देखिए ये एक नॉर्मल सिम होता है, जो नॉर्मल हमें फिजिकल सिम होता है। अब वो फिजिकल सिम 2014 के बाद से वो बदल चुका है। इंडिया में अभी वोडाफोन और एयरटेल, मेरी जानकारी के हिसाब से ये दो ही कंपनी ऐसी हैं जो ई सिम प्रोवाइड कराती हैं। ये ई सिम होता क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। एक फिजिकल सिम होता है और एक हमारे जो फोन होते हैं जो हायर वर्जन के फोन है, जैसे एप्पल फोन हो गया, एप्पल XR10, बेसिकली एप्पल 10 के अबव जितने भी फोन होते हैं, गूगल पिक्सल फोन होते हैं, सभी फोन में ई सिम का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जो हायर वर्जन के फोन हैं जिसमें कि एप्पल गूगल पिक्सल इस तरह के जो फोन है उसमें ई सिम का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें डुअल सिम होता है। एक फिजिकल सिम आप इस तरह वाला लगा सकते हैं, एक ई सिम का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये फंक्शन कैसे करता है, किस तरह से साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल करके लोगों को ठग रहे हैं, कैसे लोग लाखों करोड़ों रुपए की ठगी के शिकार हो रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। ये जो सिम था मिनी सिम, आप लोगों ने देखा होगा ये इस तरह का सिम पहले जमाने में लगता था, अभी भी छोटे छोटे जो फोन होते हैं उसमें लगते हैं। माइक्रो सिम का कॉन्सेप्ट आ गया, फिर नैनो सिम आ गया, 2014 में जो है ये ई सिम का कॉन्सेप्ट आया। बेसिकली ये एक वर्चुअल सिम होता है, ये फिजिकल सिम नहीं होता, ये वर्चुअल सिम होता है। ये वर्चुअल सिम कैसे काम करता है आगे देखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये एक जब साइबर अपराधी होते हैं, साइबर अपराधी क्या करते हैं, आपको एक कॉल करते हैं। साइबर अपराधी जब कॉल करते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपको सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि ई सिम एक्चुअली में अपग्रेड कैसे होता है और ई सिम के लिए क्या फंक्शनैलिटीज होती है, कैसे आप अपने फोन में ई सिम को डाल सकते हैं। ई सिम यानी कि बेसिकली उस चीज को वर्चुअल सिम होता है। आपको एक क्यूआर कोड मिलता है, सेटिंग्स में जाके आप कुछ चेंजेस करते हैं, फिर आप स्कैन करते हैं क्यूआर कोड को और वो पूरा प्रोसेस क्या होता है इसको जानना, कैसे सेटअप करता है ई सिम इसको जानना बहुत जरूरी है। आपका जो फोन है इस फोन में हम क्या करते हैं, जो आपका ई सिम इनेबल्ड फोन होता है उसमें ई सिम सेलुलर प्लान हम लोगों को डालना पड़ता है, जिसके लिए आपका सर्विस प्रोवाइडर भी इंपॉर्टेंट है कि सर्विस प्रोवाइडर होगा तभी वो ई सिम उसमें चलेगा, अदरवाइज आपके फोन में ई सिम का फीचर होना से कोई फायदा नहीं होता। सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल और आपका वोडाफोन प्रोवाइड कराता है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो हमें सेटिंग्स में जाना पड़ता है। पहले सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाने के बाद हमें सेलुलर में जाना पड़ता है। सेलुलर में क्लिक करने के बाद हमें एक प्लान सेटअप करना पड़ता है, जो सेलुलर प्लान होता है उसको हम सेटिंग करेंगे। अब हमें स्कैन करना पड़ता है क्यूआर कोड। ये स्कैन कहां से आता है ये क्यूआर कोड, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। ये आने के बाद आपको सेलुलर प्लान ऐड करना पड़ता है, अपना प्लान एक आप ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आप उस नंबर को प्राइमरी नंबर की तरह यूज कर सकते हैं। ये प्राइमरी नंबर आपका होगा, वो नंबर आपको वहां पे फिजिकली डालना पड़ता है। प्राइमरी नंबर सेलेक्ट करने के बाद जो क्यूआर कोड है वो नंबर ऑटोमेटिकली आपका ले लिया और आपके फोन पे अलग से वर्चुअल सिम इंस्टॉल हो जाता है, आपको कोई फिजिकल सिम डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद आप अपना नंबर यहां से सेटअप करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो देखा आपने कि किस तरह से सेटिंग होता है। अगर अगर आपको वो चीज पीछे जो हमने बताया वो अगर नहीं समझ में आया तो आप यहां से ऐसा कर सकते हैं कि अपने सेटिंग्स ऑप्शन में मोबाइल डेटा में जाइए, मोबाइल डेटा के बाद में प्लान ऐड करना पड़ेगा और स्कैन करना पड़ेगा क्यूआर कोड। अब ये समझते हैं कि ये क्यूआर कोड आता कहां से है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे जो हमने ई सिम फ्रॉड बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये क्यूआर कोड आता कहां से है। देखिए एयरटेल और वोडाफोन एक ऐसी कंपनियां हैं जो ई सिम प्रोवाइड कराती हैं। आपका जो फोन जो ई सिम एनेबल्ड फोन है, जो हायर वर्जन के फोन है, उसमें क्या करना पड़ता है, आपको ई सिम के बाद अपना ईमेल आईडी, याद रखिएगा अपना ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप यूज करते हो, जिसका एक्सेस आपके पास हो, आप उस ईमेल आईडी को क्या करते हो 1 to 1 पे, अगर एयरटेल है तो 1 to 3 पे, यदि वोडाफोन है तो आप उसको भेज देते हो। भेजने के बाद वो आपको एक कॉल आता है, जो वो कॉल आता है वो आपको कॉल करके कंफर्म किया जाता है कि आप ई सिम में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो 1 प्रेस करें। आप 1 प्रेस करते ही आपने जो ईमेल आईडी भेजा है, जो ईमेल आईडी आपने भेजा है ई सिम के बाद, स्पेस देकर मैं आगे दिखाता हूं आपको। जैसे आपने ई सिम लिख करके अपना ईमेल आईडी डाला, ये एयरटेल का मैं आपको बता रहा हूं, एयरटेल के वहां से मैंने लिया है, ई सिम लिखा, अपना ईमेल आईडी डाला। याद रखिएगा फ्रॉडस्टर यहीं पे पूरा खेला करते हैं, साइबर अपराधी, पूरा खेल ई सिम फ्रॉड का ईमेल आईडी से होता है। ये ईमेल आईडी आपको फ्रॉडस्टर अपना ईमेल आईडी लिख करके सेंड करने को बोलता है, यहीं से वो पूरा फ्रॉड की जड़ स्टार्ट करती है। ये अपना ईमेल आईडी लिखा, 1 to 1 पे मैसेज किया, 1 to 1 वाले ने कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद आपको एक क्यूआर कोड मिला, और जो मैंने पीछे बताया आपको कि क्यूआर कोड किस तरह से स्कैन करते हैं, उसको आपने स्कैन किया और आपके मोबाइल फोन पे, जो ईसिम इनेबल्ड मोबाइल फोन होगा उस पे वो ईसिम चलने लगता है। आपको आगे बताते हैं, देखिए हमारे जो झारखंड में जो फ्रॉड हो रहे हैं वो बेसिकली विशिंग फ्रॉड 38%, ओएलएक्स फ्रॉड 20% के आसपास, वेबसाइट फ्रॉड जो है 15% के आसपास, फेसबुक फ्रॉड जो है वो 12% के आसपास हो रहा है, 10% स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड, जो एनी डेस्क हो गया, क्विक सपोर्ट। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप हमारे वीडियोस में जाकर के यूट्यूब चैनल साइबर सुरक्षा में जाइए, देखिए कि किस तरह से ये फ्रॉड हो रहा है। अब ये ट्रेंड जो है वो उल्टा जा रहा है, यहां उसके बाद अदर फ्रॉड है, फिर लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो ई सिम फ्रॉड है। ई सिम का जो फ्रॉड है बेसिकली, ये फ्रॉड अब जो है कि ये ट्रेंड वापस घूम के जा रहा है। अब ये ई सिम फ्रॉड, अदर फ्रॉड, स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड, ये ज्यादा बढ़ रहे हैं। ओटीपी विशिंग में हमने अवेयरनेस इस लेवल पे किया है, अभी लोगों को सबको पता चल गया कि कोई भी आपसे ओटीपी नहीं पूछता, और पूछता भी है तो आप नहीं बताते। ये अच्छी पहल है झारखंड पुलिस की। और इसके बाद अभी लेटेस्ट ट्रेंड जो ई सिम है, इसको हम जानते हैं कि ये एक्चुअल में क्या करता है। मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया आप लोगों को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए। कहीं कोई दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में बताइए, लोगों से बहुत ज्यादा इसको शेयर कीजिए, अवेयरनेस फैलाना यहाँ पूरा पर्पस है, कि जितना जितना से ज्यादा आप लोगों को बताएंगे, जितना ज्यादा आप इसको फैलाएंगे, वीडियो को फैलाएंगे, लोगों को आप शेयर कीजिए। आप वीडियो नहीं फैला सकते, आप जाकर उनको बताइए, अवेयरनेस होगा, आपके पैसे की ठगी बच सकती है। देखते हैं उसको कैसे वो फ्रॉड होता है। ई सिम फ्रॉड के बारे में देखते हैं। एक क्रिमिनल होता है जो क्या करता है कि अपने फोन से एक विक्टिम को कॉल करके, जो आपको पीछे दिखाया मैंने, विक्टिम को कॉल करता है, ये हमारा विक्टिम है, बेसिकली इसको कॉल किया, बोला कि आप अपने फोन से एक एसएमएस भेजिए, उसमें जो वो अपना ईमेल आईडी डालता है, 1 to 1 के में जो भेजा ई सिम के बाद अपना ईमेल आईडी डालने के लिए बोलता है इनको। ये क्या करते हैं वहां से, ये अपना जो विक्टिम है ये भेज देते हैं सर्विस प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइडर को भेज दिया, क्योंकि ईमेल आईडी क्रिमिनल का डाला हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये अपना क्रिमिनल अपना ईमेल आईडी के लिए बोलता है। ये मैसेज सर्विस प्रोवाइडर के पास गया, सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया, इमीडिएटली उससे कंफर्म करने के बाद इनको जो क्यूआर कोड भेजा, क्यूआर कोड जो कि ईमेल आईडी इनका है, तो क्यूआर कोड इनको मिला। ये जैसे ही ईमेल के थ्रू इनको क्यूआर कोड मिलता है, ये क्या करते हैं कि ये क्यूआर कोड को बेसिकली ये स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद इनके ईसिम इनेबल्ड फोन में वो क्यूआर कोड आ जाता है। अब जैसे क्यूआर कोड इनके पास आ गया, सिम इनके पास चालू हो गया, इनका सिम बंद हो गया, ये ई सिम स्टार्ट करने के बाद जो भी बैंक के ट्रांजेक्शन है, सारे बैंक को ये ट्रांजेक्शन करते हैं, जो विक्टिम का बैंक होता है, क्योंकि ओटीपी इनके पास आएगा, ई सिम इनके पास है, तो ये विक्टिम के अकाउंट से जितना भी ट्रांजेक्शन है वो टोटल ट्रांजेक्शन जो है वो मल्टीपल चैनल्स में क्या करते हैं कि इसको निकालने की कोशिश करते हैं, बैंक से, ई वॉलेट से, जो भी फ्रॉड होता है इसके अपना अपने अकाउंट में ये पैसा भेज देता है, ई वॉलेट में ये पैसा भेज देता है, फिर उसके बाद कैश विड्रॉ करते हैं, ये कैश विड्रॉ करते हैं, ई कॉमर्स शॉपिंग करते हैं, आप इनको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि विक्टिम का जो फोन का नंबर है ये ऑन तो है, ऑन होने के बाद यहाँ ई सिम अपग्रेड हो गया है। अब ई सिम अपग्रेड करने के बाद इनके पास अब सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट के एक्सेस करना होता है, ओटीपी ऑटोमेटिकली इसी नंबर पे आएगा, और विक्टिम को ये बात पता भी नहीं चल पाता।
हमारे पास भी कुछ ऐसे केसेस हैं, हम उस पर ट्रेस किए हैं, लोगों को पकड़ा भी गया है, इसमें लोग पकड़ाते हैं, ये गलत तरीका है, लोग इस तरह से इसका फायदा उठाते हैं। जो लोगों को ई सिम के बारे में नहीं पता होता है वो क्या करते हैं कि वो सर्विस प्रोवाइडर को मैसेज तो करते हैं, अपग्रेड नहीं है, ये विक्टिम अपग्रेड नहीं है, विक्टिम को नहीं पता है कि जो फ्रॉडस्टर ने कॉल करके एक ईमेल आईडी दिया, वो ईमेल आईडी बहुत यूनिक सा देते हैं, आपको लगेगा कि वो कंपनी का ईमेल आईडी है, 1234@airtel1234@gmail.com, इस तरह का कुछ चीज वो आपको देते हैं, 1234567abc@gmail.com, आपको लगेगा कि वो ईमेल आईडी वर्क नहीं करता होगा या वो सर्विस प्रोवाइडर ने दिया है। एक्चुअली में विक्टिम को जो ईमेल आईडी भेजा गया वो विक्टिम को फ्रॉडस्टर ने भेजा, साइबर फ्रॉडस्टर एक मैसेज भेज दिया, उस मैसेज को इन्होंने भेजा, मैसेज चूंकि ईमेल आईडी उनका था, फ्रॉडस्टर का था, यहां से ईमेल आईडी सीधा इसको आया, क्यूआर कोड स्कैन किया, ईसीम इसने स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद विक्टिम के बैंक अकाउंट, जो विक्टिम का बैंक अकाउंट, ये सारा ट्रांजेक्शन जो है अलग अलग चैनल्स में निकाल के निकाल लेता है। ये विक्टिम को ठगने का बहुत ही यूनिक तरीका ई सिम फ्रॉड का है। इसके बारे में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जब भी ई सिम अपग्रेड कराने की कोशिश करें तो उसको बहुत ध्यान से सतर्कता पूर्वक करें। आप अपना ईमेल आईडी की जगह फ्रॉडस्टर का ईमेल आईडी डालेंगे तो आप फंस सकते हैं। अब देखते हैं कि उसको बचने के उपाय क्या है। देखिए, बहुत लोग हम लोगों से यही पूछते हैं कि बचा कैसे जाए। ई सिम फ्रॉड जो अभी हो रहा है, इसको समझने का सिंपल फंडा यह है कि अगर आपको अपग्रेड कराना है आप सीधे सर्विस प्रोवाइडर के पास जाइए। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ये नहीं कहता कि वो आपका सिम ब्लॉक कर देगा या सिम बंद कर देगा। अगर मैं आपको बताऊं, आप बहुत लकी हो अगर आपका सिम बंद हो जाता है तो ये बहुत बड़ा कंपनसेशन। एक हमारे ICICI के फ्रेंड हैं, रिस्क इंटेलिजेंस में काम करते हैं, इंद्रनील जी से हमारी हमेशा बात होती है, उन्होंने मुझे ये बात बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जो सिम कार्ड है अगर आपका कोई सर्विस प्रोवाइडर बंद कर देता है और आपने क्लेम कर दिया तो आपको लाखों करोड़ों रुपया का वो कंपनसेशन देते हैं। तो ये कंपनसेशन तो आपके लिए अच्छी बात है ना, कि आप क्यों उसके चक्कर में पड़े हैं। फ्रॉडस्टर ने आपको फोन करा कि फोन आपका बंद हो जाएगा, ये गलत फहमी में ना रहे, आपका कोई भी सिम बिना सर्विस प्रोवाइडर के कॉल के बंद नहीं होता। और अगर वो कॉल आता है तो आप खुद जाइए सर्विस प्रोवाइडर से बात करिए कि क्या प्रॉब्लम आया। वो आपको मैसेज के थ्रू जरूर बता सकते हैं कि आपने पेमेंट नहीं करा तो बंद हो जाएगा, अदरवाइज अपग्रेडेशन के नाम पे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और अगर बंद होता है तो आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी ई सिम अपग्रेड कराएं तो ये बात ध्यान रखें कि आपके पास अगर ई सिम इनेबल्ड फोन है तो ही वो ई सिम में कन्वर्ट हो करा के आप अपना यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है। इस विक्टिम के पास मान के चलते हैं कि इनका एक बैंक अकाउंट है जिसमें कि वो एक नंबर डाला हुआ है जो फ्रॉडस्टर ने समझ लिया कि ये नंबर बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। इनके पास कोई भी फोन इनेबल्ड नहीं है जो ईसिम को चला सके। ईसिम चलाने के लिए आप नेट पे सर्च करना, आपको पता चलेगा एप्पल 10, 11 प्रो मैक्स जितने भी हायर वर्जन के फोन हैं उसमें ही ईसिम चल सकता है। इस विक्टिम ने अगर ईसिम अपग्रेड कराया, इसके पास अगर फोन ना हो ईसिम इनेबल्ड, तो फिर ये क्या करेगा? तब तो इसका एक्सेस इस बंदे ने कर लिया, ये क्रिमिनल ने कर लिया। इस क्रिमिनल के पास अपना एक फोन होता है जो ईसिम इनेबल्ड होता है। हमारे एक केस में हमारे चीफ टेक्निकल ऑफिसर ने जब निकाला, इसका डिटेल पता किया, तो इसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटीज उनको समझ में आया, जो थोड़ा सीक्रेट है, बता नहीं सकते यहाँ पे, बट ये है कि इसको पकड़ा गया। तो इस तरह के जो भी क्राइम हो रहे हैं उससे बचने का एक दूसरा उपाय मैंने आपको बताया कि आपके पास ईसिम इनेबल्ड फोन नहीं है, आप अपग्रेड मत कराओ। तीसरी चीज जो है, आप कभी भी कोई भी फोन से रेस्पॉन्ड ना करो, कोई ओटीपी, कोई लिंक को क्लिक ना करो। ये बेसिक फंडा है साइबर क्राइम से बचने का, जो मैं हर किसी को बोलता हूँ। हमारी टीम अवेयरनेस जहां जहां जाती है वो एक ही बात बोलती है, आप कभी भी किसी भी तरह से अगर आपको लिंक कोई शेयर करता है या फिर किसी तरह से आपको कोई ओटीपी शेयर करने को बोलता है, जो कि अब बंद हो चुका है, बहुत सारे तरीके नए नए आ गए, धीरे धीरे आपको इस चैनल पे और आगे बताया जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप ईसिम फ्रॉड से बच सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड है, इसको समझ लीजिएगा, आपका कभी फ्रॉड नहीं होगा। आपको कभी भी किसी तरह से डाउट होता है साइबर सुरक्षा के चैनल में, आप आए, लोगों को इससे ज्यादा से ज्यादा जोड़ें, शेयर करें, हमसे बात करें, हमारा तुरंत हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। कभी भी कोई दिक्कत होती है हमें बताएं। हमने अब दूसरे राज्यों में भी लोगों को मदद की है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म हमारे पास है। हम ये भी बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में कि किस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो हैं आप यूज़ करके, अगर आप दूसरे स्टेट में, आप झारखंड के से बाहर के स्टेट में, आपने वहाँ FIR करा दिया, आपका क्रिमिनल झारखंड में बैठा हुआ, तो वो हम किस तरह से करते हैं वो आगे के वीडियोज में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, अवेयरनेस उतना फैलेगा, आप जितना अवेयर होंगे आपका पैसा उतना सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत।